माया ने उठाया चाकू, निशाने पर माया की सासू। ये है सास बहू का खूनी खेल। सास बहू और बेटिया जब पहुंचा सोनी टीवी के सीरियल बेहद के सेट पर, तो वहां का ये खूनी ट्विस्ट देख हमारा तो दिल दहल गया। माया की सासू माँ वंदना का हाथ खून से लथपथ था और उनके चेहरे पर खौफ साफ नजर आ रहा था। और आए भी क्यों ना, बहू माया के हाथ में चाकू देख सास का डरना लाजमी है ना। दरअसल दरवाजे के बीच आकर माया की सासू माँ वंदना का हाथ कट जाता है और माया उन्हें दवा लगाने के लिए फर्स्ट एड बॉक्स लेने आती है, पर यहाँ उसे मिल जाता है ये चाकू। तो कहिए माया, भला इस चाकू और फर्स्ट एड का क्या कनेक्शन, आखिर इरादा क्या है आपका? मैं तो फर्स्ट एड के लिए गई थी और मैं मुझे नहीं पता ये वहाँ पर आने वाली है, तो मैं तो जैसे मेरे नॉर्मल चाकू छुरी के साथ खेल रही थी। अब ये यहाँ पर आ गई, अब उन्होंने देख लिया, अब ये डर गई और ये भाग गई। अरे ये तो मुझे इतने अंतर डर रखती है, सिर्फ हाथ रखती है मेरे कंधे पे तो भी मेरे कहीं अभी ये क्या करेगी। अब पर डरा तो आपने हमें भी दिया माया, ये तो ये चाकू और उस पर आपके ये एक्सप्रेशन, सच कहिए कहीं सासू माँ को चोट पहुँचाने का इरादा तो नहीं? जो आ गया समझ ले, एक बार फंस गया तो फंस गया समझ ले। नहीं, फिजिकल चोट नहीं पहुँचेगी। देन अगेन शी इज जस्ट प्लेइंग विद हर, वो सिर्फ चाकू लेकर डरा रही है। वो चाकू से मारने, अगर उसको मारना होता तो वो कब का मार दियो। हाँ मतलब इतनी देर तक वेट भी नहीं करती, वो खेल रही है। और बहू के बीच ये खूनी खेल चल ही रहा होता है कि तभी वहाँ पहुँच जाती है सांझ और वो देख लेती है वंदना का ये हाथ। बहुत शौक हो जाती हूँ मैं उन्हें ऐसे देखकर, उनके हाथ को देखकर। एंड मुझे माया पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है कि हाउ कैन शी हर्ट माय वंदना आंटी। बट कोई बात नहीं, सबका दिन आता है, एक दिन मेरा भी आएगा और मैं करारा जवाब ज़रूर दूंगी माया को। लेकिन इससे पहले कि माया सांझ को देख पाती, वंदना उसे वहाँ से भगा देती है। बहुत बहुत सारा बेहद ड्रामा होने वाला है जहाँ पर मैं वापस उस घर पे आऊँगी। माया पता नहीं क्या करेगी, मैं पता नहीं क्या करूँगी, बट फिलहाल तो मैं अर्जुन के पास जाऊँगी यहाँ से कि तेरी माँ को मार रहे और तू कुछ नहीं कर रहा। तो अब दिल थाम कर कीजिए इंतजार कि बेहद में सास बहू का ये बेहद ड्रामा लेता है कौन सा नया मोड़। मुंबई से आकिब खान के साथ आज तक ब्यूरो।